तो भैया आज राउंड वन के रिजल्ट आ गया है एंड राउंड वन के रिजल्ट बहुत लोग देख पाए हो, बहुत लोग आफ्टर दिस वीडियो देख रहे हो या फिर बहुत लोग देख लिए राइट। सो भैया आफ्टर राउंड वन रिजल्ट क्या हमको करना पड़ेगा, हर एक चीज कंप्लीट प्रक्रिया, क्या क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, क्या 5000 किसको देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फीस क्या होता है, अगर हमको अपग्रेड करना है ऑन दैट केस क्या कर सकते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है, हर एक चीज़। एंड अगर भैया हमको जो कॉलेज मिला है अगर वो हम लेते हैं उसके लिए क्या करना है, एंड भैया अगर जो कॉलेज हम ले चाहिए वो हमको फॉर एग्जाम्पल फास्ट साउंड में नहीं मिला उसके बावजूद भी क्या हमको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है, वो हर एक चीज करके हम बात कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। अच्छा भैया तो आज राउंड वन के अलॉटमेंट आ गया है या फिर आने वाला है, बिकॉज मैं वीडियो को रात में शूट करो तो आई होप सो कि यार कल सुबह 12 बजे 2 बजे या फिर 5 बजे या फिर 8 बजे के अंदर तुमको मिल जाना चाहिए अलॉटमेंट राइट। अच्छा तो राउंड वन के अलॉटमेंट के बाद हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी कॉलेज हमको अलॉट हो रहा है उसके लिए हमको एक फीस पे करनी है। तुम लोग इधर देख सकते हो कैंडिडेट लॉग इन टू द चेक अलॉटेड कॉलेज, द कॉलेज द अलॉटमेंट स्टेटस विल शो द इंस्टीट्यूट कोर्स इन विच ही और शी हैज बीन अलॉटेड अ सीट, चाहे कोई भी कॉलेज में, IIM जादवपुर, हेरिटेज, IIM तो नहीं होगा यार, हल्दिया, या फिर तुम पकड़ लो RCC, या फिर तुम पकड़ लो कोई भी कॉलेज, एनी गवर्नमेंट कॉलेज, एनी प्राइवेट कॉलेज, अकॉर्डिंग टू योर रैंक जिस कॉलेज में तुमको सीट मिल रहा है उस कॉलेज के लिए तुमको एक सीट एक्सेप्टेंस फीस देंगे, ठीक है। सीट एक्सेप्टेंस फीस कितना यार, सीट एक्सेप्टेंस फीस है 5000 जो तुमको ऑनलाइन में यार भरना है, तुम जिस भी कॉलेज चाहते हो उस सीट एक्सेप्टेंस फीस को तुमको देना है, ठीक है। अच्छा भैया सीट एक्सेप्टेंस फीस देंगे तो क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा, नहीं यार समाप्त नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं दोनों इधर केस ले रहा हूँ, पहला केस है कि जो सीट हमको मिल रहा है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में वो सीट हम ले भी सकते हैं, वो सीट हम नहीं भी ले सकते। क्या मैं बोला, जो सीट हमको फर्स्ट राउंड में मिल रहा है वो सीट हम ले भी सकते हैं या फिर वो सीट हम नहीं भी ले सकते। फॉर एग्जाम्पल जो सीट हमको मिल रहा है उसके लिए एक अलॉटमेंट लेटर तुमको मिलने वाला है, ठीक है। तो वो क्या करनी है, जब भी तुम जो जिस भी कॉलेज में तुमको जो भी सीट मिल रहा है उसके लिए तुमको 5000 पहले पे करना है फॉर सीट एक्सेप्टेंस। तुम देख सकते हो इधर 5000, चाहे तुम्हारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, कुछ भी तरीके से ये वेबजी को तुमको पैसा पे करनी है, ठीक है। इसके बाद तुमको जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड करनी है। भैया अलॉटमेंट लेटर कहाँ मिलेगा यार, मैंने एक वीडियो यार देखा था लास्ट ईयर, उसको देखो एक बार चेकआउट करना। अलॉटमेंट लेटर तुमको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद अलॉटमेंट लेटर को लेके जो तुमको अदर जो डॉक्यूमेंट है, भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट वो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, वो डॉक्यूमेंट लेके तुमको फिजिकल वेरिफिकेशन में, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ दैट अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना। जिस फॉर एग्जाम्पल तुमको राउंड वन में तुमको मान लो हेरिटेज मिला, ठीक है, तो तुमको हेरिटेज में वेरीफाई करने के लिए जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल तुमको राउंड वन में हल्दिया मिला, तुमको हल्दिया में आना पड़ेगा फॉर ऑल दिस डॉक्यूमेंट, चाहे तुम हल्दिया लो चाहे तुम हल्दिया ना लो, तुमको 5000 पे करनी है, तुमको उस कॉलेज में आना है फिजिकली वेरीफिकेशन करने अपने डॉक्यूमेंट को। अच्छा तो भैया हम आ गए, फिजिकली वेरिफिकेशन भी कर ली। भैया क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्लास 10th का एडमिट कार्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, OCI सर्टिफिकेट अगर तुम्हारा OCI सर्टिफिकेट है तो। अच्छा अगर तुम वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, अगर तुम बंगाली हो, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, फिर जो भी हो यार, ऑन दैट केस हमको एक वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल सब लोग आई थिंक उठा लिया है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ठीक है, इसके ऊपर ये तुमको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, क्या नहीं बनाते, इसको बहुत सारे वीडियोस तुमको मिल जाएगा यूट्यूब में, चेकआउट कर लेना, ठीक है। अगर तुम SC ST OBC कोई कास्ट से बिलोंग करते हो उसका सर्टिफिकेट, इसके साथ तुम अगर PWD कैंडिडेट हो उसका सर्टिफिकेट, इसके साथ तुम TWF अगर हो तो तुमको TWF का जो सर्टिफिकेट हमको लेके आना पड़ता है, ठीक है, फ्रॉम हायर अथॉरिटी, वो तुमको लेके आना है, ठीक है। अच्छा भैया क्या होगा, अगर जो डॉक्यूमेंट तुम प्रोवाइड कर रहे हो जिस इंस्टीट्यूट तुमको अलॉट हुआ है अगर वो सही है, ऑन दैट केस तुमको तो यार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, तुम उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में अगर फिजिकली वेरिफिकेशन होने के बाद अगर लेना चाहते हो एडमिशन तुम ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर 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 तुम आफ्टर दैट राउंड वन, आफ्टर फिजिकली वेरिफिकेशन के बाद अगर तुम उस इंस्टीट्यूट नहीं चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि भैया राउंड टू में हम जाएंगे, अगर मेरा कुछ भी सीट अपग्रेड होता है, ऑन दैट केस हम वेट करेंगे, तो ऑन दैट केस तुम्हारे हाथ में दो ऑप्शन है। आफ्टर कंप्लीट प्रॉपर सक्सेसफुल फिजिकल वेरिफिकेशन तुम्हारे हाथ में दो ऑप्शन है, एक हम जा सकते हैं कि हम अपग्रेड ले सकते हैं, दूसरा है कि हम नो अपग्रेडेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो वाला कॉलेज चाहे तो हम नो अपग्रेड लेंगे, अगर हमको चाहिए कि नहीं है, जो कॉलेज मान लो हमको हल्दिया मिला है फर्स्ट राउंड में, हम चाहते कि नहीं
चलो यार हेरिटेज के लिए वेट करेंगे, चलो यार टेक्नो इंडिया के लिए वेट करेंगे, चलो यार जादवपुर के लिए वेट करेंगे, चलो यार कोई कलनी के लिए वेट करेंगे, ठीक है। तो हम अपग्रेडेशन में मार सकते हैं, ठीक है। इधर और एक चीज लेकर तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं वेब जी, अगर तुम कुछ भी चीज गलत दी हो तो ऑन दैट केस दैट एप्लीकेंट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फर्दर अलॉटमेंट एंड इट विल बी ट्रीटेड एज कैंसिल। अगर तुम कोई गलत डॉक्यूमेंट दिए हो तो ऑन दैट केस तुम्हारा जो भी अलॉटमेंट हो वो कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से देना, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने ऑलरेडी यार बोल दिया, तुमको उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाना है विद ऑल द कागज एंड अलॉन्ग विद द जेरोक्स कॉपी जो तुमको लेके जाना है, वो हर एक चीज़ तुमको फिजिकली वेरीफाई होगा, फिजिकली हर एक चीज दिखाया जाएगा, देखा जाएगा, उसके बाद तुमको नया जगह में जाके मतलब तुमको एकदम क्लियर होगा कि हाँ यार ये बंदा प्रॉपर है, ये फिजिकली वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अगर तुम चाहते हो कि भैया अपग्रेडेशन नहीं लेंगे तो उस इंस्टीट्यूट में जाकर तुम एडमिशन ले सकते हो, अगर तुम चाहते हो कि नहीं भैया हम जाएंगे हम लेंगे सेकेंड राउंड में, ऑन दैट केस तुम ऑप्टेट कर सकते हो कि हाँ भैया हम फिजिकल नहीं, हम नेक्स्ट राउंड में या फिर वी वॉन्ट टू टेक अपग्रेडेशन, ठीक है, तो हम अपग्रेडेशन करेंगे, ठीक है। ये हो गया राउंड वन। तो राउंड वन में हम 5,000 पे किए, अगर हम चाहते हैं कि वो कॉलेज लेंगे जाके फिजिकली वेरिफिकेशन करके कॉलेज ले लिए, अगर हम चाहते हैं कि नहीं भैया हम फिजिकली वेरिफिकेशन तब भी करना पड़ेगा, 5,000 तब भी देना पड़ेगा, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, वो लेके जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जहाँ तुमको अलॉट हुआ है, उधर जाके अगर तुमको चाहते हैं कि नहीं भाई मैं ये कॉलेज में नहीं लूँगा, तुम राउंड टू के लिए जा सकते हो, तुम अपग्रेडेशन कर सकते हो, कब, आफ्टर कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये हो गया यार कंप्लीट प्रोसेस, तो राउंड वन आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं यार राउंड टू के लिए, अगर तुम चाहते हो भैया राउंड टू के लिए भी ऐसा एक तगड़ा वाला वीडियो बना दो तो यार तुम कमेंट करना, ठीक है। तो राउंड वन में कौन सा कॉलेज का अलॉटमेंट तुमको मिला, कौन सा कॉलेज मिला, तुम्हारा क्या रैंक था, मैं उनको हर एक चीज़ बताना, एंड क्या तुम उस कॉलेज से खुश हो मेरे को बताना जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में, एंड कमेंट करो क्या तुम जानना चाहते हो राउंड टू एंड मॉप अप राउंड के लिए भी एक वीडियो, दो वीडियो चाहते हो, तब यार कमेंट करना है। अगर तुम लोग कमेंट करते हो वीडियो को तो शेयर करते हो यार, मैं ऑब्वियसली यार तुम्हारे लिए प्रॉपर नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलो, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक द चैनल, एंड फॉर एनी डायरेक्ट एडमिशन टू एनी कॉलेज कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।